हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम बना रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। पिछले वीडियो के अंदर हमने एक मॉडल डिज़ाइन किया था प्राइस के लिए और उसके अंदर मोबाइल की प्राइस को शो कराया था कि हम जैसे ही इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे को एक मॉडल शो हो जाता है जिसमें मोबाइल की प्राइस आ जाती है। तो इस वीडियो में हम इसको अपडेट कराएंगे कि जिस पर हम क्लिक करें तो प्राइस हमारे पास आ जाती है और जो हम चाहें इस प्राइस को अपडेट करना, तो जैसे अगर अपडेट पर क्लिक करें तो ये प्राइस हमारी अपडेट होना हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हम अपने एडिटर में आ जाते हैं। एडिटर के अंदर सबसे पहले हम आएंगे व्यू फाइल में, व्यू के अंदर सेलर, और सेलर में आएंगे एक्टिव लिस्टिंग। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे, इसके अंदर हम लिखते हैं अपडेट मोबाइल प्राइस स्क्रिप्ट, अपडेट मोबाइल प्राइस स्क्रिप्ट। एंड अब हम यहाँ लिखते हैं कि डॉलर मॉडल का क्या नाम है, मॉडल मोबाइल प्राइस मॉडल के अंदर ऑन क्लिक हो बटन का क्या नाम है, बटन का नाम हमें यहाँ से मिलेगा, बटन का नाम है ये रहा बटन, क्लास दिया है इसे और इसको दे देते हैं हम आईडी, आईडी दे देते हैं btn अपडेट प्राइस। ठीक है, ये हमने बटन का नाम दे दिया है। एक्टिव लिस्टिंग पे आ जाते हैं वापस, आईडी का नाम है btn अपडेट प्राइस। तो फंक्शन होगा हमारा एक, और इस फंक्शन में हम वैल्यू ले लेंगे वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर वैल्यू किसकी आएगी, अपडेट प्राइस की, अपडेट प्राइस, और इसको वैल्यू मिल रही है अपडेट प्राइस की इनपुट फील्ड से। तो ये इसका नेम हो गया और ये इसकी आईडी हो गई, तो यहाँ से इसे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अलर्ट कर देते हैं अपडेट प्राइस को कि प्राइस हमारे पास आ रही है या नहीं आ रही, कंट्रोल आर। ठीक है, अभी मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ 12,300 पे, तो 12,300 इसकी प्राइस आ रही है। हम इसको अपडेट कर देते हैं 15,500, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे को 15,500 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है। अब इसको अलर्ट को हटा देते हैं, और अभी हमें एक चीज़ और करना है, वो क्या है कि यहाँ पे हमें एक और इनपुट बनाना पड़ेगा हिडन के लिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा, आईडी दे देते हैं इसको मोबाइल आईडी, नेम होगा इसका मोबाइल आईडी, वैल्यू होगी इसकी रिजल्ट और मोबाइल आईडी। ठीक है, यहाँ से हमें आईडी मिल जाएगी, और इसको कर देते हैं स्टाइल डिस्प्ले नोन। ठीक है, और हमें एक वेरिएबल और बनाते हैं, इसको लिखते हैं मोबाइल आईडी, मोबाइल आईडी हमें मिल जाएगी मोबाइल आईडी के आईडी से। ठीक है, वैल्यू, और हमें अब क्या करना है, डॉलर डॉट एजेक्स टाइप एजेक्स मेथड पोस्ट यूआरएल बेस यूआरएल
index.php/seller/update/mobile-active-listing-price ठीक है, और इसको दे देते हैं डाटा। डाटा में हमारे को क्या क्या देना है, मोबाइल आईडी और अपडेट प्राइस, ठीक है दोनों चीज़ दे दी हमने इसमें। अब लिखते हैं सक्सेस फंक्शन डाटा एंड इसमें बनाते हैं एरर फंक्शन। एरर फंक्शन में क्या आए, अलर्ट मैसेज आए, एरर अपडेट मोबाइल प्राइस, ठीक है। अगर अपडेट हो जाए प्राइस तो फिर क्या हो कि उसको हम दे देते हैं, जैसे कि पहले तो हम इसमें अलर्ट ही दे देते हैं प्राइस अपडेट, ठीक है। अब हम चलते हैं इस फंक्शन पे, कॉपी करेंगे, सेलर के अंदर आते हैं और यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक फंक्शन पेस्ट एंड इसकी हम कॉपी कर लेंगे सेशन की कंडीशन, पेस्ट करेंगे एल्स डॉलर देस सेलर मॉडल अपडेट मोबाइल प्राइस एक्टिव लिस्टिंग, इसको वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट। अब हम आ जाते हैं मॉडल के अंदर सेलर, सेलर मॉडल में, और यहाँ आ जाएंगे सबसे आखिरी के अंदर पब्लिक फंक्शन, फंक्शन का नाम कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी पेस्ट, ठीक है। सबसे पहले हमें वैल्यू लेनी है तो डॉलर देस इनपुट पोस्ट मेथड लगा हुआ है, एक की वैल्यू आएगी अपडेट प्राइस से, इसको वेरिएबल बना लेते हैं अपडेट प्राइस, और एक हमारे पास वैल्यू आ रही है इनपुट पोस्ट मोबाइल आईडी से, ठीक है। तो दो हमने वेरिएबल बना लिए, एम आईडी लिख देते हैं इसे, इसमें लिखते हैं डॉलर दिस डीबी वेयर, जहाँ पे मोबाइल आईडी हो इस एम आईडी के बराबर, वहाँ पे अपडेट हो जाए टेबल का नाम मोबाइल्स एंड कॉलम का नाम क्या है, ओपन करते हैं पीएचपी माय एडमिन, इसमें देखते हैं कॉलम का क्या नाम दिया हुआ है। ये हमारा पीएचपी माय एडमिन ओपन हो रहा है थोड़ा धीरे धीरे, तो इसमें हमारा रीसेंट में ही होगा ये रहा। इसमें मैं करता हूँ कंट्रोल एफ, प्राइस, प्राइस है मोबाइल प्राइस के नाम से, तो मोबाइल प्राइस वाले कॉलम में अपडेट कर दे कौन सी वैल्यू, अपडेट प्राइस वाली, ठीक है। और इसमें हम लिख देते हैं अपडेट मोबाइल प्राइस, ठीक है। और अब हम इसको चेक करेंगे, इफ अगर अपडेट मोबाइल प्राइस ट्रू हो जाती है तो हम ये रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर पे हमें क्या करना है, इको करा देते हैं इस रिज़ल्ट के वेरिएबल को, और अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिंपल इसको रन करना है रीसेंड, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और हम इस प्राइस में डाल देते हैं जैसे कि 850 रुपये, अपडेट पर क्लिक करता हूँ मैं, क्लिक प्राइस अपडेट, ठीक है।
ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि प्राइस अपडेट होने के बाद ये जो मॉडल है क्लोज हो जाए, ठीक है। और हम जैसे अभी रिफ्रेश करके देखते हैं प्राइस अपडेट हुई या नहीं हुई आईडी नंबर 43 पे, ठीक है। आईडी नंबर 43 एरी प्राइस हो गई 850 रुपये, डाटा बेस में भी चेंज हो गया होगा। ब्राउज पे क्लिक करते हैं और आईडी नंबर 43 वाली आईडी कहाँ है, येरी, इसमें प्राइस कहाँ दी हुई है, कंट्रोल एफ प्राइस 850 सियरा, और ये वाली आईडी कौन सी है, आईडी नंबर 43 है, ठीक है। ये हो गया हमारा अपडेट। और अब हमें एक काम करना है, वो भी कर लेते हैं, इस अलर्ट को तो हम हटा देते हैं, और जो हमने seller.php के अंदर बनाया है मॉडल उसके अंदर हमें क्या करना है कि h6 बनाता हूँ मैं हेडिंग, h6 में हम इसे कर देते हैं स्टाइल फॉन्ट साइज हम इसे देते हैं 14 पिक्सल, कलर ग्रीन, और हमें इसको एक आईडी दे देते हैं आईडी सो अपडेट मैसेज, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास मैसेज आ जाएगा। और अब हम यहाँ आ जाते हैं, इसमें हम मैसेज दे देते हैं कि अपडेट हो जाए तो सो अपडेट मैसेज में टेक्स्ट आ जाए मोबाइल प्राइस अपडेटेड, ठीक है। और हमारा जो मॉडल है वो क्लोज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि ये वाली आईडी अपडेट हो चुकी है, ठीक है। अभी हम करते हैं कंट्रोल आर, हम इसे अपडेट करते हैं आईडी नंबर 49, इस पे हम लिखते हैं 5000 है तो इसको हम लिखते हैं 2560 रुपये। अपडेट पे क्लिक करेंगे, मोबाइल प्राइस अपडेट, ठीक है। ये हो गई हमारी मोबाइल प्राइस अपडेट। और हम कर देते हैं इसको चेंज 12600 कर देते हैं इसे, क्लिक करेंगे अपडेट हो गया। अब हम जैसे कि कौन सी को अपडेट की थी 49 वाली को, तो ये आ रहे हैं 1200 2560, क्योंकि हमारे पास हमने इसको अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइस को अपडेट करने का काम। अब हमें क्या करना है, अगर हम चाहें तो ऑफ़र प्राइस को भी अपडेट कर सकते हैं, क्वांटिटी को अपडेट कर सकते हैं। जो हमने फंक्शन इसमें यूज़ किया है कि क्लिक करने पे मॉडल ओपन होता है और उस मॉडल को हम प्राइस को अपडेट करने पे वो मॉडल बंद हो जाता है, तो वैसा ही हम ऑफ़र प्राइस में कर सकते हैं और क्वांटिटी में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से प्राइस अपडेट करते हैं बिना पेज के रिफ्रेश किए, ठीक है। एजक से करवाया था हमने ये वाला काम प्राइस अपडेट कराने का, और ये हमने थोड़ा सा फ्लिपकार्ट का जैसा डिज़ाइन किया था कि उसी की जैसी टेबल है, और फ्लिपकार्ट में भी ऐसा ही होता है कि जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा मॉडल ओपन होता है जिसमें प्राइस दिखाई जाती है, और वो मॉडल जैसे हम अपडेट पर क्लिक करते हैं तो वो प्राइस को अपडेट कर देता है, ठीक है। अगर इस वीडियो में कोई एरर आ जाती है आपके पास तो आप हमें कमेंट और मैसेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।